की वीडियो में हम बात करेंगे कि घर में एक बक्से में हजारों केचुए पैदा कैसे करें। आप सब गार्डनिंग में वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग तो करते ही होंगे और मेरे बहुत सारे दोस्त वर्मी कंपोस्ट बनाते भी होंगे। इसके लिए सबसे मेन हमें केचुओं की ज़रूरत पड़ती है। केचुओं की संख्या ज़्यादा होती है तो जो हमारा वर्मी कंपोस्ट है वो भी जल्दी और ज़्यादा बनता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि घर पर ज़्यादा से ज़्यादा केचुए कैसे पैदा करें। दोस्तों, जैसे कि आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, यहाँ बहुत सारे केचुए हैं। तो घर पे ज़्यादा से ज़्यादा केचुए करने के लिए हम एक कंटेनर लेंगे, उसमें अपने पास जितने भी केचुए हैं उन सभी को उसमें डालेंगे। जैसे कि मैंने इस वीडियो में सारे केचुए इस कंटेनर में डाल दिए हैं, इसी तरह आप केचुए डालें। फिर इसके ऊपर हम थोड़ा गोबर तोड़ कर डालेंगे। ये गोबर उनके लिए फूड का काम करेगा। जब भी वो ब्रीडिंग करेंगे तो उन्हें फूड की नीड पड़ेगी, क्योंकि ब्रीडिंग में उन्हें एनर्जी चाहिए। फिर उसके बाद हम इसमें अच्छे से पानी डालेंगे, क्योंकि गोबर अच्छे से गीला होगा तो वो गोबर को अच्छे से खा पाएंगे। फिर उसके ऊपर एक साड़ी ढक देंगे या कपड़ा ढक देंगे ताकि वो शेड के अंदर रहे। और जो अर्थवर्म्स होते हैं वो शेड के अंदर अच्छा रिप्रोडक्शन करते हैं और अच्छी तरह से ग्रो होते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि 5 से 6 दिन बाद जो अर्थवर्म है उन्होंने कितनी अच्छी ब्रीडिंग की। इतने से हिस्से में 10 से 15 केचुए हैं। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।